من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूरे मालिक कहना वहाँ कुछ सोख्ता जहाँ और भी हैं अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखा कर कहना ऐसे तमगों के तलबदार वहाँ और भी हैं। आज हम उस शहीद की याद में यहाँ जमा हुए हैं कि जो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करने वाला था। आज हम उस शहीद की याद में यहाँ जमा हुए हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाला था। वो शहीद के जो अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों के रब की गुलामी में देने की जिद्दोजहद करने वाला था। वो शहीद के जो इंसानी जिंदगियों की तामीर की कोशिश करने वाला था। वो शहीद के जो अपनी यूनिवर्सिटी के ज़हीन तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करने वाला था। वो शहीद के जो अपनी यूनिवर्सिटी के कमज़ोर तालिब इल्मों की रहनुमाई करने वाला था। वो शहीद के जो अपनी क्लास के अंदर ज़हीन तालिब इल्मों में शुमार होने वाला था। और वो शहीद के जो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर देने के बाद इस्तकामत के साथ उसके रास्ते पर डट जाने वाला था। वो शहीद आज हम में नहीं है, हम उसकी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ जमा हो रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, वो शहीद और हमारा वो साथी शायद जुल्म करने वालों को, जबर करने वालों को, असबियत का नारा लगाने वालों को, नफरत का नारा लगाने वालों को, तकसीम का नारा लगाने वालों को, बुग्ज का नारा लगाने वालों को, लिसानियत का नारा लगाने वालों को, सूबाइयत और कौमियत का नारा लगाने वालों को पसंद न था। इसीलिए उन लोगों ने हमारे इस काफिले के इस राहरो के ऊपर हमला किया और उसको शहीद कर डाला। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, शायद वो लोग ये जानते न थे कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। शायद उनको ये अंदाज़ा न था कि ये अब्दुल मालिक का काफिला है, शायद उनको ये अंदाज़ा न था कि ये वासिफ अजीज का काफिला है, शायद उनको ये अंदाज़ा न था कि ये अवैस अकील का काफिला है, शायद उनको ये अंदाज़ा न था कि अल्लाह के शेरों का, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का, पाक पास और साले नौजवानों का काफिला है। ये उन लोगों का काफिला है कि जो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर देने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। ये अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर देने के बाद ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लेकर उठने वालों का काफिला, ये हिचकचाने वालों का काफिला नहीं है, ये अजीमत के साथ इस्तकामत के साथ डट जाने वालों का काफिला है। शायद वो लोग ये नहीं जानते थे और उनका ये ख्याल था कि हम इनके ऊपर हमला कर देंगे, हम इनके रास्ते को खोटा कर देंगे, हम इनको इनकी मंजिल से दूर कर देंगे, हम इनके पाए इस्तकलाल में लफ्जिश ले आएंगे। लेकिन वो ये ना जानते थे कि अवैस अकील का काफिला है, यहाँ तो फैलुर रहमान शहीद जैसे इस लोग इस काफिले के अंदर शरीक हैं। वो ये जानते ना थे कि अल्लाह के शेरों के इस काफिले के सब्र और इसकी अजीमत का रास्ते के सिपाहियों का काफिला, ये अपने रास्ते से अपनी मंजिल से दूर नहीं होने वाला है। वो ये जानते न थे कि अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करने वालों के इस काफिले के अंदर तुफैलुर रहमान शहीद जैसे कई लोग मौजूद हैं और आज भी इस काफिले के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी ख्वाहिश ये है, जिनकी तमन्ना ये है कि वह अपने रब के हुजूर इस हालत में पेश हो कि अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर रहे हो, उसके रसूल की सदाकत का ऐलान कर रहे हो, इस्लाम का
परचम बुलंद करने वाले हों। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, उन लोगों ने ओछा वार कर दिया, उन लोगों ने अपने तई तो काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन उनके इस अमल ने हमारे हौसलों को महमेज बख्शी है, उनके इस अमल ने हमारे अज़्म को पुख्ता कर दिया है, उनके इस अमल ने हमारे हौसलों को जिला बख्शी है, और उनके इस अमल ने हमारे काफिले को और तेज कर दिया है, और उनका ये अमल हमारे काफिले को अपनी मंजिल की जानिब तेज कदमी के साथ आगे बढ़ाने का जरिया बना है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हमें हिम्मत दे दे, हमें हिम्मत दे दे, हम काम करेंगे दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर। दोस्तों और साथियों, लेकिन आज हमें यह भी गौर करना होगा कि वो कौन सा मिशन है, वो कौन सा मकसद है कि जिसके लिए अब्दुल मालिक शहीद से लेकर तुफैलुर रहमान शहीद तक के हमारे सैकड़ों साथी इस रास्ते के अंदर जामे शहादत तोश कर गए। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, जब हम कुरान का मुताला करते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द अल्लाह रब्बुल इज्जत दो ही काम लगाता है। अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी बअथा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। वही तो है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजा है, जिसने अपने रसूल को इन उम्मियों में भेजा है ताकि वो इनको किताबुल्लाह की आयात सुनाए, जो इनको हिकमत की तालीम दे, जो इनके नफूस का तज़किया करे, और इससे पहले ये लोग खुली गुमराही में मुब्तला थे। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द ये पहली जिम्मेदारी थी, इंसान की तामीर का काम, इंसानियत की तामीर का काम, इंसानी नफूस के तज़किये का काम, इंसानी नफूस को अल्लाह से जोड़ देने का काम, उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके रवैयों को दुरुस्त कर देने का काम, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की गुलामी में दे देने का काम, यह पहला काम था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द हुआ। और दूसरा काम कौन सा था? वो दूसरा काम अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। के वही तो है कि जिसने अपने इस बंदे को किताब के साथ, दीन के साथ देकर भेजा है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा हिदायत देकर भेजा है, व दीनिल हक्की और हक के दीन देकर भेजा है, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि ताकि इसको तमाम अदियान पर गालिब कर दे। ये जो तामीर जहान का काम है, ये जो तामीर जहान का काम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया है। ये इक़ामत दीन का काम, ये आलाए कलमतुल हक, आलाए कलमतुल्लाह का काम, ये आलाए कलमतुल हक का काम, ये फरीज़ा इक़ामत दीन का काम, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया गया था। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी वसादत से ये इस उम्मत के सुपुर्द किए गए काम थे, और यही वो दो काम थे कि जिसको लेकर इस्लामी जमीयत तलबा खड़ी हुई, यही वो दो काम थे कि जिसको लेकर इस्लामी जमीयत तलबा ने अपने सफर का आगाज किया। उसका अज़्म भी यही था, उसका इरादा भी यही था, उसका दावा भी यही था कि हम इंसानों की जिंदगियों की तामीर करेंगे, हम इंसानों की शख्सियतों की तामीर करेंगे, हम इनके अखलाक की, इनके किरदार की तामीर करेंगे, इनके अफकार की तदहीर करेंगे। और दूसरा काम इस्लामी जमीयत तलबा ने अपने सुपुर्द यही लिया कि हम अकामत दीन का काम करेंगे, हम अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करेंगे, हम अल्लाह के दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब करने की कोशिश करेंगे। यही वो दो काम है कि जो इस्लामी जमीयत तलबा ने शुरू किए, और आज भी इस्लामी जमीयत तलबा का काफिला पूरी इस्तकामत के साथ इन्हीं दो उमूर पर डटा हुआ है, पूरे इस्तकामत के साथ, पूरे अज़्म के साथ, जवा जज्बों के साथ इसी रास्ते पर गामजन है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इस काफिले के राहरों ने, इस काफिले के रहनुमाओं ने ये जान लिया था कि ये काफिला फूलों की सेज नहीं है, ये काफिला तो कांटों का रास्ता है, ये रास्ता तो अजीमतों का रास्ता है। इस काफिले के राहियों ने यह जान लिया था और इस बात को पहचान लिया था कि इस रास्ते पर चलने वालों के रास्ते के अंदर मक्का की गलियां भी आएंगी, अभी तालिब की घाटी भी आएगी, ताइफ की वादी भी आएगी, बद्र उहद के मार्के भी होंगे। लिहाजा इस काफिले पर चलने वालों ने
पूरे अज़्म के साथ, पूरे इरादे के साथ इस काफले के अंदर शिरकत की थी और इसी काफले का के शरीक बन गए थे और इसी अज़्म को लेकर आगे बढ़े थे कि हम इस काफले का रास्ता खोटा नहीं होने देंगे, हम इस काफले से मुंह नहीं मोड़ेंगे। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इस अज़्म को लेकर वो जमा हुए, वो आगे बढ़े, काफला बनता चला गया और फिर इस काफले के अंदर मसाइब भी आए, आलाम भी आई, मुसीबतें भी आई, लेकिन इस काफले के अंदर अब्दुल मालिक शहीद जैसे लोग भी मौजूद थे, इस काफले के अंदर अवैस अकील जैसे लोग मौजूद थे, इस काफले के अंदर कलीमुल्ला जैसे लोग मौजूद थे, इस काफले के अंदर तौकीर अब्बासी जैसे लोग मौजूद थे और इस काफले के अंदर सैयद तुफैलुर रहमान जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने अज़्म कर लिया था और इस बात का इरादा कर लिया था कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना पर अमल करेंगे और इस रास्ते के अंदर अगर कोई रुकावट आती है, अगर कोई मुश्किल आती है, अगर कोई मुसीबत आती है, अगर कोई रंज आता है, अगर कोई अलम टूट पड़ता है, हम तब भी इस काफले से रास्ता नहीं ओढ़ेंगे, इस काफले का रुख नहीं मुड़ने देंगे, इस काफले से पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, जहां आज की ये महफिल हमारे अज़्म को ताजा करने वाली है, जहां आज की ये महफिल हमें उस शहीद की याद दिलाने वाली है, जहां आज की महफिल हमारे अज़्म को ताजा करने वाली, हमारे हौसलों को जिला बख्शने वाली है, वही ये महफिल इस बात का इयादा करने के लिए भी है कि आइए हम उस मिशन को समझ लीजिए, आइए हम उस मकसद से जुड़ जाएं कि जो सैयद तुफैलुर रहमान शहीद का मकसद था, इंसानी जिंदगी की तामीर का मकसद, जहान की तामीर का मकसद, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक, उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए अहकामात के मुताबिक इंसानी जिंदगियों की तामीर, उनके अखलाक की तामीर, उनके किरदार की तामीर, उनके अफकार की तत्हीर और फिर उसके बाद इनकलाब का रास्ता और उसके बाद अकामत दीन की जद्दोजहद, यही वो मकसद है कि जिसके लिए ये काफिला जारी और सारी है, यही वो मकसद है, यही वो अमानत है जो आज आपके और मेरे सुपुर्द कर दी गई है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस काफले को उसकी मंजिल की तरफ गामजन रखें, हम इस काफले को उसके मकसद से दूर न हटने दें, हम इस काफले को उसके रास्ते की तरफ गामजन रखें। ये आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है और ये शहीदों की अमानत, ये सिद्दीकीन की अमानत, ये शुहदा की अमानत, ये सालेहीन की अमानत आज आपके और मेरे सुपुर्द है। लिहाजा इसमें खयानत करने का सोचिएगा भी नहीं, लिहाजा इसके अंदर किसी रास्ते पर मुड़ जाने का, तजब्ब का शिकार हो जाने का सोचिएगा भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के रोज सैयद तुफैलुर रहमान हमारे सामने खड़ा हो और हमसे सवाल कर ले कि मैंने तो इस रास्ते के अंदर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, मैंने तो इस रास्ते के अंदर अपनी तालीम का नजराना पेश कर दिया, अपने घर का नजराना पेश कर दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और तुम मेरे काफले के साथ क्या करके आए हो। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है, हम इस रास्ते के पर गामजन रहेंगे, हम इस काफले को इसकी मंजिल की तरफ लेकर बढ़ते रहेंगे और दावत इल्लाह की ये तहरीक, रुजू इल्लाह की ये तहरीक, रुजू इल कुरान की ये तहरीक इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालकर इंसानों के रब की गुलामी में देने वाली ये तहरीक अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी, इसी तरह गामजन रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयद तुफैलुर रहमान शहीद की शहादत को और इस्लामी जमीयत तलबा के सैकड़ों हजारों शहदा की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सैयद तुफैलुर रहमान के रस्ते पर चलने की, उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे सुपुर्द सैयद तुफैलुर रहमान जो अमानत करके गए हैं, अल्लाह ताला हमें उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और इस तहरीक को उसी मकसद की तरफ, उसी दावत की तरफ, उसी तबलीग की तरफ, उसी मोहब्बत की तरफ, उसी अमन की तरफ हमें भी गामजन रखने की तौफीक अता फरमाए कि जिसके लिए सैयद तुफैलुर रहमान ने कोशिशें की। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।